आज के इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप स्पाइस मनी की डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक एजेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। एजेंट बनाना हम आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप एजेंट बनाना चाहते हैं और आप स्पाइस मनी की डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पाइस मनी पोर्टल में अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा एजेंट ऑनबोर्डिंग। एजेंट ऑनबोर्डिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने, यहाँ पर एजेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलेगा न्यू एजेंट। ये सारी मेथड आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर नेम वगैरह सारी चीज़ शो कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट यूजर में आपको CSP ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप क्लिक करना है और टाइप पे आपको इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है सभी का। उसके बाद यहाँ पे एजेंट का नाम देना है एज पर पैन कार्ड। पैन कार्ड पे जो भी नाम होगा एजेंट का, जिसका आप रिटेलर आईडी बनाना चाहते हैं, जिसे एजेंट बनाना चाहते हैं, उसका जो पैन कार्ड पर नाम वो नाम देंगे, उनके फादर्स का नाम देंगे, उनके मदर्स का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटलमेंट बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, कोई भी एक बैंक अकाउंट दे सकते हैं। उसके बाद अकाउंट किस टाइप पे सेविंग करेंट, वो अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट नंबर, IFSC कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्विस में आपको बहुत सेलेक्ट करना और डिवाइस को हैंड हेल्ड सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन में आप मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे एजेंट का डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पेमेंट डेट दे सकते हैं। पेमेंट डेट कोई भी एक डेट डाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मोड भी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैलेंस ही सेलेक्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप मंथली रुपया कितना बिजनेस हो सकता है, एनुअल टर्न ओवर आपको कुछ दे देना होगा, नेटवर्क यहाँ पे अप टू 25 लाख दे देना, और यहाँ पे आप दुकान कब खोले हैं वो आपको देना होगा, और साथ साथ किस मंथ खोले वो देना होगा। अगर आप राजनीतिक या पॉलिटिकल आदमी हैं तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में जो भी लिया है अपने कस्टमर से, जो भी देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप जीरो रख सकते हैं। फ्री में आई डी बना रहे तो जीरो, उसका पेमेंट डिटेल में फ्री लिख सकते हैं। ये सारी फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना होगा वेरीफाई करने के लिए। मोबाइल नंबर देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर ये मोबाइल नंबर पहले से स्पाइस मनी में रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे अवेलेबल दिखा देगा। अगर रजिस्टर होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देगा। तो यहाँ पहले चेक कर लेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर पहले से रजिस्टर हो तो वो मोबाइल नंबर नहीं देंगे, चेंज करेंगे। इसी तरह ईमेल आईडी देंगे, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड की नंबर देंगे, जो जिस भी कॉलम में ये स्टार लगा हुआ है उस कॉलम को भरना अनिवार्य है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर खाली छोड़ेंगे, कैटेगरी देंगे जनरल किस जाति के हैं, मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड जो भी वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नो कर देंगे। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल देना चाहे दे सकते, नहीं तो खाली छोड़ सकते। ये पूरी फॉर्म फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शॉप नेम देना है, शॉप का एड्रेस देना होगा और यहाँ पे एरिया का पिन कोड देना होगा। एरिया का पिन कोड देने के बाद स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद शॉप एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो टिक, शॉप एड्रेस को टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भी डिटेल देंगे, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और कोर्स में नाउन देंगे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन को बॉक्स को खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंट एड्रेस, अगर आपका ये भी करेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम अज देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्यूपेशन देंगे, क्या करते हैं इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ दुकान का ओपनिंग क्लोज टाइमिंग देंगे, जो भी आपका ओपनिंग क्लोज टाइमिंग होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका दुकान वीकली में, हफ्ता में किसी दिन बंद भी रहता है, बंद नहीं रहता या नहीं रहता है, यस या नो देंगे, इसमें नो सेलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले एजेंट की फोटो अपलोड करेंगे। एजेंट की फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि देख पा रहे फोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्लिक करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर देंगे और आधार कार्ड की फ्रंट साइड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक जो पीछे फिलअप किए थे, उसके बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक करके पैन कार्ड को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ कह रहा है, एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर देंगे, आधार कार्ड की बैक साइड को अपलोड कर देंगे। उसी के साथ ही यहाँ बैंक कैंसिल चेक मांग रहा है, तो यहाँ पर आप बैंक के पासबुक या मिनी स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग का स्क्रीनशॉट या कैंसिल चेक कोई भी एक प्रूफ बैंक का अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट फॉर्म में आप आधार कार्ड को ही अपलोड कर सकते हैं। याद रखिए कि जिस भी कॉलम में स्टार लगा उसी को अपलोड करना अनिवार्य, जिसमें नहीं लगा उसको खाली छोड़ सकते हैं। एजेंट फॉर्म में स्टार है तो इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सभी को खाली छोड़ना, एक वीडियो वेरीफिकेशन देना होगा, एक खुद का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा जिसमें बोलना मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर यह है,
मैं स्पैश मनी के साथ काम करना चाहता हूँ, एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 10 MB से कम और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये सारी चीज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। इसका एजेंट आईडी रिटेलर आईडी के लिए अप्लाई हो गया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगा। अगर आप सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद फिर आपका आईडी आएगा। अगर कोई आईडी का अप्लाई करते हैं वो आईडी रिजेक्ट हो जाता है, फिर से उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसका उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह कर सकते हैं। कोई आईडी रिजेक्ट हो गया है तो उसका किस तरह से सुधार कर सकते हैं, उसके लिए फिर से मनी ट्रांसफर ऐप पे आएंगे, एजेंट अनबोर्डिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, एजेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एजेंट अनबोर्डिंग पे क्लिक करेंगे। जिसका भी अप्लाई करेंगे जिसका आईडी नहीं है वो सारे लिस्ट यहाँ पे शो कर देंगे, और व्यू पे क्लिक करके आप उसको एडिट करके चेंजिंग करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं आईडी के लिए। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो यहीं पाएंगे एजेंट, और एजेंट अनबोर्डिंग से आप उसका डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।